लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मेहरारू भी देख सकेली, बच्चा भी देख सकेला, पुत्रू भी देख सकेला, गुरु चेला देख सकेला, मतलब सब केहू देख सकेला। अपना हजारीबाग सुंदर हजारीबाग। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी झारखंड के हजारीबाग जिला के बरका गांव में हूं। मैं एनटीपीसी कैंपस में हूं। यहां पर एक बहुत अच्छा अभियान चलाया गया था, स्वच्छता अभियान, जो नरेंद्र मोदी जब फर्स्ट टाइम जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने स्वच्छता को लेकर के बहुत सारा वो पुरजोर अभियान चलाया था, और उसी अभियान को कंटिन्यू करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है एनटीपीसी के अंदर में। और यहां पर एक नुक्कड़ नाटक दिखाया गया है। मैं आपको इस रिपोर्टिंग के बाद आपको नुक्कड़ नाटक दिखाऊंगा। नुक्कड़ नाटक में एक फोकस किया गया है कि आज भी लोग गलतफहमी में है कि स्कूल और शौचालय गंदगी होती है। नहीं, यहां नुक्कड़ नाटक द्वारा आपको अवेयरनेस किया गया है कि स्कूल और कॉलेज के जो शौचालय है वो भी साफ सुथरा होते हैं, और आप कूलर को भी साफ सुथरा रखें, कूलर को भी साफ सुथरा। नुक्कड़ नाटक के थ्रू जो कलाकार थे, पटना से आए हुए थे, उन्होंने अपने नाटक के द्वारा लोगों को अवेयरनेस किया, जो एनटीपीसी के द्वारा संचालित हुआ था। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एनटीपीसी के महाप्रबंधक हैं जलोटा जी हैं और पंकज जी हैं। जी सर, ये जो आपने पखवाड़ा चलाया, ये कब से चलाया और क्या फोकस है आप लोगों का? ये पूरे एक हफ्ते का पखवाड़ा है। जी जी, स्वच्छता पखवाड़ा। उसमें आज के दिन हमने ऑर्गेनाइज़ किया है नुक्कड़ नाटक जी। और ये हमारी टीम जो पटना से आई है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जी जी। आप देखेंगे, कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाइए, सार्वजनिक स्थान पे चले जाइए, हर जगह आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आता है। हमारी सारी अच्छी जगहें कूड़े से बर्बाद हो रही हैं। जी जी। नेचर इतनी प्यारी है, लेकिन जहाँ लोग बसते हैं वहाँ आप जाएंगे, आपको गंदा लगना लगेगा, नाली गंदी है। तो ये अब अवेयरनेस हमें फैलानी पड़ेगी कि ना तो हम खुद कूड़ा फैलाएं और ना दूसरे को फैलाने दें, और अगर बाय चांस दिख भी जाए तो उसको खुद उठाएं। ऐसा नहीं है जैसे इस नुक्कड़ नाटक में बताया गया था। ये मैं आपको बोलूँगा कि इसमें आप एक पॉइंट और ऐड करिए। आप ये कह रहे थे कि भी अपना कूड़ा खुद उठाओ, लेकिन अगर किसी और का भी कूड़ा है, अगर आप वो उठा के डस्टबिन में डाल देंगे तो उसको भी मैसेज जाएगा। तो यही एक तरीका है जिससे हम अपना देश, अपना गांव, अपना प्रदेश सब स्वच्छ कर सकते हैं। जी, आपने जो कहा कि खुद से कूड़ा उठाए, इसका एक उदाहरण है कि जब भी प्रधानमंत्री जब स्टेज पर कहीं भी जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी, तो रैप को वो खुद पॉकेट में डालते हैं, ना किसी सिक्योरिटी गार्ड को देते हैं। वो संदेश देते हैं लोगों को कि आप, जब मैं प्रधानमंत्री देश का हूँ तो मैं खुद रैप को अपने पॉकेट में रख सकता हूँ। तो आप सभी लोग, आम जनता लोग, इससे आप सीखें, और कूड़ा जो आप फैलाते हैं कहीं भी आप जाते हैं, भले प्लास्टिक रैप में, आपको बस में कहीं भी जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको रैप में खाने को मिलता है, उस रैप को आप पॉकेट में रखें और उसको गंदगी जहां पर भी उसका जगह वहां पर रखें। इससे आपकी प्लास्टिक के बारे में आपको बता दें कि प्लास्टिक ऐसा चीज़ है, ऐसा पॉइजन है वो, कि आप जितने भी बाढ़ग्रस्त इलाके में जो बाढ़ आती है, वो नदी का जो लेवल है, पानी का लेवल, वो प्लास्टिक के वजह से मिट्टी का लेवल ऊपर उठते चला गया और पानी का लेवल ऊपर आ गया, और जिसके वजह से बाढ़ग्रस्त एरिया में जो भी गंगा नदी है, जो भी नदी है, उसके वजह से बाढ़ आ जाती है गांव, ग्रामीण क्षेत्र में, और उससे कई करोड़ों का नुकसान होता है किसान का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाप्रबंधक साहब। सर, क्या बताएंगे स्वच्छता पर, क्या लोगों को संदेश देंगे यहाँ के बरकाओं पर? एक ही संदेश है जो नुक्कड़ नाटक में भी इन्होंने दिया, खुद भी स्वच्छ रहें और अपने आसपास को भी स्वच्छ रहें, तभी हमारा देश, हमारा शहर, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू। मेहरारू भी देख सकेली, बच्चा भी देख सकेला, पुत्रू भी देख सकेला, बीवी देख सकेला, वो भी देख सकेला, इधर वाला भी देख सकेला, उधर वाला भी देख सकेला, साइकिल वाला भी देख सकेला, अरे राजा भी देख सकेला, मंत्री भी देख सकेला।
सकेला, सिपाही भी देख सकेला, हवलदार भी देख सकेला। मतलब जी हाँ नमस्कार प्रणाम। हम लोग इमेजिनेशन पटना की टीम एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आप लोगों के बीच आई है जिसका विषय है स्वच्छता। आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी हजारीबाग अभी स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है और इसी अवसर पे हम लोग पटना से चलकर आपके बीच आए हैं एक नाटक लेकर जिसका नाम है अपना हजारीबाग सुंदर हजारीबाग। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे यारो, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे यारो, चलो आज नाटक तुम्हें हम दिखाएं। सुनो गांव वालों, सुनो शहर वालों, मिलकर तुम्हें ये बताए, चलो आज मिलकर तुम्हें ये बताए, किताब सफाई जरूरी है भाई, किताब सफाई जरूरी है भाई, किताब सफाई बताइए पति की ऐसे पहचान होती है। आप ही हैं, आप ही हैं। अच्छा सुनो मुझे लेट हो रहा है, टहलने जाना, जल्दी से एक कप चाय बना। चाय पियेंगे? हाँ जल्दी जल्दी, अभी बनाती हूँ। जल्दी जल्दी चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे घर में साफ सफाई हो लेकिन बाहर गंदगी फैली हो, बीमारी फैला कर दियो, तरम पम पम तरम पम पम तरम पम पम तरम पम पम तरम पम। अरे ये क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर रही हो? अरे टाई लगा रहे, लगाने दीजिए ना। अरे अभी ऑफिस जा रहे हो तुम, टाई लगाओगी? आपकी आवाज क्यों बदल गई? अरे टाई तो ये ऐसे गर्दन पे पड़े। सॉरी सॉरी सॉरी, वो ज्यादा ऐसे खींचा गया था, सॉरी सॉरी। अभी टहलने जा रहे तो टाई क्या लगा रही? अच्छा ठीक है, जाइए जाइए, जा रहे हैं। हाँ। अरे सुनिए सुनिए। हाँ सुनिए ना। क्या? इधर आइए। हाँ बोलो। आंखें बंद कीजिए ना। पागल हो क्या? आंखें बंद करे जाने दो, टहलने जा रहा है। आंखें बंद कीजिए ना प्लीज। ऐसे मत बोलो, प्लीज बंद कीजिए ना। हेलो बंद कर दीजिए। अब बाहर फैलाइए शाहरुख जैसा, शाहरुख शाहरुख जैसा। हाँ शाहरुख, देखिए गरीबों का शाहरुख खान। ऐसे तो है। वैसे अरे किधर गई? अरे वैसे ही रहिएगा, आ रही हूँ। अरे लेट हो रहा है, किधर गई, क्या कर रही हो? कचरा फेंक के आइए, महक रहेगी नहीं, घर में कचरा रखेंगे। ये क्या दिल्ली में डाली तुम, ये करती हो काम? मैं जब भी टहलने जाता हूँ तो ये कूड़ा कचरा फेंकवाती हो मुझसे, तुम जा रहे? चिल्ला के मत बोलो, प्यार से भी तो बोल सकती हो। जा रहे कूड़ा कचरा फेंकते काम रह गया।
कूड़ा कचरा लिया जाइए भागे क्या आप कर रहे हैं जी देख रहे हैं आप चिन्हे इनको ये क्या किया अरे तिवारी जी आप अन्नेवाड़ी जी भी आए हैं अरे शर्मा जी आप लेकिन आप सब कम कीजिएगा सब फेंक दीजिएगा रोड पे इतना साफ सुथरा रोड है आप यहीं फेंक दिए अरे तू इतना कूड़ा यहीं फेंकाता तो फेंक दिया कहाँ फेंका हुआ है कोई कूड़ा अरे उधर फेंकाता ना तो फेंक महाराज आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप इतने अच्छे सोसाइटी के हैं पढ़े लिखे आदमी है आप ये काम कर रहे हैं घर का कचरा रोड पे सड़ेआम फेंक रहे हैं सब फेंकता है अभी तो हम लोग बात ही कर रहे थे कि इतना साफ सफाई रखा जा रहा है देख रहे हैं आप फेंक के चल जा रहे हैं देखिए क्या बदबू दे रहा क्या तो वाइफ चिकन चिल्ली बनाई थी वही बच गया तो अब बासी कौन खा रहा समझे चिकन चिल्ली बनाई थी आई फेंक दिए वहीं से कुत्ता कोई आएगा इसको छितरा देगा रोड पे गंदा होगा गंदगी महकेगा बताइए कितना बीमारी फैलेगा हम ही फेंकते हैं सब फेंकता है जी अरे तो आप शुरुआत करिएगा तब ना लोग मानेगा आप ही गलती करिएगा तो कैसे लोग मानेगा सुनिए जो हम फेंक दिए तो मेरा मन मेरा हम टैक्स देते हैं कुछ भी करते हैं मेरा सड़क है ना तो टैक्स देता ना घर ही कचरा उठाए घर वापस ले जाएंगे देखिए घर को पैसा घर में काहे कचरा फेंकेगा क्या मतलब बताइए भाभी जी कितना घर को साफ सफाई रखती है चमका के रखती है ना तो आप रोड को चमका के काहे नहीं रख रहा है अरे आप कहना क्या चाहते हैं बोलिए कहना ये चाह रहे हैं महाराज कि एनटीपीसी हजारीबाग के द्वारा इतना साफ सफाई को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है और आप है महाराज की हजारीबाग को गंदा करने में लगा हुए जगह जगह डस्टबिन लगवाया जा रहा है किसके लिए आप ही रोक ले कूड़ा कचरा सड़क पर नहीं फेंकिए डस्टबिन में डालिए डालिए तो आप लोग को करना चाहिए ना अब एनटीपीसी हजारीबाग इतना ख्याल रख रहा है तो आप थोड़ा सा पहल की शुरुआत नहीं कर सकते हैं ठीक है गलती होगी क्या गलती होगी अब आपको कूड़ा जो हम डस्टबिन में ही डालेंगे कूड़ा वाला गाड़ी आता है ना सुबह सुबह जी अरे उसका नाम मत लीजिए सवेरे सवेरे आता सिटी बजाता मेरी बाइक को तंग करता है वाइफ को तंग नहीं करता वो आके हॉर्न बजाता है कि घर से निकलिए अपना घर का कचरा सुबह सुबह वाला जाके गाड़ी में डालिए सूखा कचरा अलग गीला कचरा अलग समझ में आया अच्छा ये बात हाँ तो आप नहीं ना फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे तो जाइए कहाँ जा रहे ये दोनों उठाइए पहले एक दिए क्या वहाँ देखिए बगल में डस्टबिन है दो कदम पे आगे जाके वहाँ रख दीजिए दीजिए कुछ हम दुनिया उठाएंगे आप लाएंगे खुश हो गए इसी तरह से अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाना है तो इतना ख्याल रखना पड़ेगा घर को सुंदर बनाते हैं ना जी? जी आगे से किसी को भी देखिए उसको भी मना करिए क्या बोलिएगा बताइए आप बोलेंगे कि कूड़ा कचरा डस्टबिन में डाल सुनिए वो दर्द है क्या दर्द इधर आइए जो डेली की डेली हमसे जो कचरा फेंकवाती है उसका उपाय है कुछ उसका उपाय मत करिए उपाय के नहीं बचिएगा आप ही किसी डस्टबिन में पड़ल मिलेगा समझे 5 बजे का लेकिन हम उसको आज क्लास ले लेंगे ले लीजिएगा हाँ अच्छे से लीजिएगा उनको भी समझ हम समझ गए कि कैसे लेना है पार्टी जो चेंज कर रहा है कह रहे हैं कि आज हम लोग शाम में आ रहे हैं चाय पीजिए आइए आइए चाय पीजिए अपना ज्ञान के बाद दिए तो चाय नहीं चलिए आते उस वक्त हम भी समझा देंगे आप ही होने जा रहे तो फेंक दीजिएगा इतना बदबू दे रहा है दिमाग खराब नहा क्या अपना हाल भी नहीं है तो आप लोग भी समझ जाइए अपने घर का कचरा किसी भी तरह का कचरा जो सड़क पे सड़ेआम मत फेंकिए उसको डस्टबिन में ही डालिए क्यों जी बिल्कुल हाँ तो इसलिए कहते हैं कि अपना हजारीबाग सुंदर हजारीबाग ये तो खोले में टाइम लगता है सबको कहाँ कचरा क्या तुम्हारी मम्मी कहाँ है मतलब मम्मी आई आई बासी भात तेरे मुंह कैसे बने लगते हैं आई खुशी नहीं रहता है चेहरे पे पापा हमको स्कूल जाना है स्कूल जाना है स्कूल जाना है क्या है जी क्या है जी सुबह से रट लगाई हुई है इतने दिन से दिमाग खराब क्यों स्कूल जाना है आपको पता है हाँ। इसके स्कूल का वो जो शौचालय वो कितना गंदा रहता है जा जा के बीमार पड़ जाएगा तो कब तक घर में बैठे रहेंगे हमको भी पढ़ना है अरे घर में बैठो ना इसलिए स्वस्थ हो स्कूल भेजेंगे इन्हें से जाएगी चाहक तो उन्हें साइकिल में मना पेट में दर्द उल्टी करते हैं कि बताओ साफ सफाई रहता है वहाँ नहीं जाना है स्कूल स्कूल जाना है स्कूल जाना है शर्मा जी शर्मा जी अब देखो कौन है देखो शर्मा जी शर्मा जी अरे क्या हुआ बेटे बहुत अच्छी बात है स्कूल जाना है आजकल के बच्चा सबसे बोलता है हमको स्कूल नहीं जाना है ये तो स्कूल जाने बोल रहे हैं तो भेज दीजिए स्कूल पैसा खर्चा दवाई में लगा देते हैं आप दीजिएगा अरे इसका स्कूल तो गंदा रहवे करता है और वहाँ का शौचालय बाथरूम बाप रे बाप इतना गंदा जाएगी तो बीमार नहीं पड़ेगी जाएंगे चुप रहो ये तो बेटी है देखिए तो पिलुआ जैसा मुंह हो गया
किया इसको। मतलब बीमारी की वजह से आप उसको उम्र भर घर में बैठा के रखेंगे? हाँ, रहेगी नहीं पढ़ेगी, अंगूठा छाप रहेगी। जी अभी क्या बात करते हैं, परसों तरसों हमने स्कूल होके आया है। अरे वो एक वक्त था आप जब स्कूल गई हो, अभी जाके स्कूल देखी है आप? नहीं नहीं नहीं, एक महीना से तो इसको बैठा ले, बस बैठा ले तो घर में आप लोग सोच रहे हैं आप पढ़ा नहीं रहे हैं। अभी अभी स्कूल जाके आप देखिए कितना साफ सफाई रखा जा रहा है वहाँ। शौचालय बनाया गया लड़कियों के लिए स्पेशल, हाँ, जिसका साफ सफाई पूरा किया जा रहा अच्छे से। आप गए एक बार भी स्कूल? नहीं, आप जाकर देखिए। इसलिए ना बोले थे मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, अब हम भी जाएंगे। वाह, चेहरा खिल गया, बता तो। नहीं नहीं, एकदम जाओगे स्कूल? एकदम पहले वाली बात नहीं, आप जाइए एक बार स्कूल, पूरा साफ सफाई किया जा रहा है, सफाई कर्मी मौजूद रहते हैं, हर मिनट सेकंड साफ सफाई रखते हैं। अब वो वाली बात नहीं है कि गंदगी है बीमारी। नहीं नहीं, आप बोल रहे तो साफ रहता होगा, कल से ही हमारी चिंकी स्कूल जाएगी। पढ़ाई है ना। भाभी जी, सुबह सुबह कचरा इनको मत दिया कीजिएगा, सुबह यही बात हम बोलते हैं। कचरा को, कचरा वाला गाड़ी आता है उसमें डाल दीजिएगा। घर को इतना देखिए तो एकदम साफ सफाई आप रखी है, बताइए तो आपकी तारीफ भी हम उनसे करते हैं। सुबह सुबह उठ के फेंक दीजिएगा, वो भी काम हम ही करेंगे। अच्छा ठीक है, फेंक देंगे। मच्छर कहाँ क्या हुआ जी? मच्छर काट रहे, पूरा मच्छर रहेगा नहीं, मच्छर तो इस आपके कारण है, मेरे आपके कारण पूरा पूरा फेंकते हैं। नहाते वहाते नहीं होंगे? नहाते हैं, डेली हम नहाते हैं महाराज। अरे ये देखिए महाराज, कूलर है कुछ? अरे नया लिया, हाले लिया, सेकंड हैंड है, बेचत कर दो, किस सेकंड हैंड लिया है? नहीं, अरे सेकंड हैंड हो चाहे फर्स्ट हैंड हो, हाँ कारण नहीं है, सही बोल रहे हैं आप, कारण नहीं है मच्छर आने का घर में। कूलर से मच्छर आए, कूलर से मच्छर भाग। पहले ही बताइए, इसका पानी प्रत्येक दिन बदलते हैं आप? पागल हो ने काजी का है, डेली पानी बदला जाता कूलर का, ऐसा बात? अब यही रह गया पानी बदलना, डेली पानी नहीं बदलिएगा ना। है जा डायरिया मलेरिया कल कल नोची इकरत आपड़त सब हो जाएगा आपको। हाँ, ओकरा कुछ नहीं, उसको भी होगा। तो ये बताइए ये कैसे हो जाएगा? अरे ये कैसे के देखे? एक चार पांच दिन से पानी छोड़ दीजिएगा, पानी महकेगा, गंदगी फैलेगा, सड़ेगा, बीमारी होगा, तो किसको फैलेगा? मच्छर आएगा तो काटेगा टाफी को ना होगा? जिस तरह से हर दिन सुबह घर में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पानी भी बदलिए। ठीक है ठीक है, सुनो खाली ये मत बदलो, डेली डेली पानी बदलो। हाँ, हाँ, तो उठ के बदला कीजिएगा। सब काम हम ही करेंगे, हम ही कूलर में बैठ जाते हैं, पानी डेली। और बच्चिया को स्कूल जरूर भेजिए, समझ गए? समझ गए ना, हम समझ गए। हाँ, ये लोग तो समझ गए, आप लोग भी समझ जाइए। अपने घर में साफ सफाई डेली जैसे करते हैं तो करिए, उसके साथ साथ अपना भी साफ सफाई करिए, मतलब नहाइए, नाखून काटिए, अपना भी ख्याल रखिए और घर का भी ख्याल रखिए और बाहर सड़क का भी ख्याल रखिए, कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालिए और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। इसलिए कहते हैं अपना हजारीबाग सुंदर हजारीबाग। अब कौन मोहल्ला में आकर बस के है, सब अपना अपना घर का कचरा ला के मोहल्ला में फेंक देता है। और आप कैसे बड़ी जैसे यहाँ साफ सफाई करने आते हैं, अभी तो कचरे फेंकने आती हैं। ओ, तो कचरा फेंक रहे तो कचरे ना फेंकेंगे, लेकिन कहाँ फेंकेंगे, जगह कहाँ है? हमसे क्या पूछ, मेरे पास तो खुद जगह नहीं है फेंकने के लिए। बताइए, कचरा फेंके लगी जगह नहीं छोड़ता है सब, तो हम क्या करेंगे, इनके मुँह पे फेंक देंगे? हम छोड़ देंगे, कचरा फैला रही, बताइए पूरा स्वच्छता अभियान चल रहा है, सब साफ सफाई में लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, सुबह तो गाड़ी आता है कूड़ा वाला, क्या नहीं फेंकते? तब कूड़ा वाला गाड़ी में कूड़ा फेंकने के लिए भोरे भोरे उठ जाए। अच्छा, कूड़ा उठाने के लिए सुबह सुबह उठ के आता है दरवाजे पे, आप ये काम कर सकते? देखिए वो देखिए गाड़ी आ रहा होगा, कितना अच्छा लगता है। हाँ।
भाई ये लोग तो समझ गए क्या आप समझे, इसलिए कहते हैं अपना हजारीबाग सुंदर हजारीबाग। सुनी बोल मजी जल्दी घरे चली ऐसे न राजा जी हो हमके सताई। सुनी बोल मजी जल्दी घरे चली ऐसे न राजा जी हो हमके सताई। वाला पानी अंगे अंग खोजता मजा आया। हाँ बहुत आया, मजा आया ना। हाँ। अब बोलो अब कहाँ चले? हमको भूख लग गया। भूख लग गया? अरे अभी तो हम लोग डांस किए हैं, खाना खाया है, अब तुम फिर से भूख लग गया? हाँ। अरे क्या क्या लाना? हाँ। मेरे लिए चार लेस, चार कुरकुरे, एक चॉकलेट केक, स्प्राइट, हम सब बस 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 इतना ही बजट है, ठीक है ना? हम अभी जाते हैं, अभी लेकर आते हैं, ठीक है? अब्बा डब्बा ही करता करता पगला दी हो तुम हमको। साफ साफ बोलो क्या चाहिए, पार्क में घुमाने लाए थे या बड़ा बड़ा क्या करते? बेबी डार्लिंग वो लड़की ना अपने बॉयफ्रेंड से कुरकुरे चिप्स पानी बॉटल थम्स अप प्लीज पता नहीं क्या क्या बोला वो चीज भी दे देंगे आपको, टेंशन काहे ले रहे हैं। कितना चीज मंगा रही है, मुझे भी भूख लगी है। घबराओ मत डार्लिंग, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, उड़ा देंगे तुम पे, तुम्हारे लिए सत्तू घोड़वाए। गर्मी का टाइम है, सत्तू पियो। ठीक है देखो 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 और तो क्या जी? हाँ भाई साहब मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ घूर रहे हैं? मेरे पास नहीं जीजू, आपको झूठे बोले आप नहीं घूर रहे थे। कब घूर रहे हैं? अरे छोड़ो छोड़ो, कब घूर रहे? अरे पागल पागल, अरे पागल किसको बोले जी आप? अरे आपको बोल, आज धीरे करके लड़िया ना जी, एक्सरसाइज ना कर। क्या क्या है? खाओ जितना खाना है खाओ। ए भाई साहब, ए भाई साहब इधर आइए, ए भाई इधर आइए, आते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, अरे आपको क्या दिक्कत है जी? क्या दिक्कत है? ये आप जो जो भी आप चिप्स क्या रैपर ऊपर है, आप मेरे देह पे क्यों फेंक रहे हैं? अरे आप तो कहाँ फेंके, हम तो साइड में फेंके, आप चलो ए चलो 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 अरे चलो खा लो, हम भी जमीन में फेंक दिए हो गया, आप हम पे फेंक दिए। ए समझा दीजिए कोचिए, हम देख रहे थे बहुत देर से, देख रहे थे आप मेरी गर्लफ्रेंड को देख रहे थे। क्या देख रहे हैं? क्या देखेंगे? अरे सुनो सुनो, अरे आंटी को ले जाइए, आंटी को ले जाइए, ठीक है? हमको फोन कर देंगे, फोन कर देंगे, हां कर देंगे। अच्छा बता देता हूं तुमको, दे पे कूड़ा मत फेंका करो। अरे हम नहीं फेंका करो, बता दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो जी? अरे हम क्या कर रहे हैं? चलो 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 घर चलो। अरे तुम उधर क्यों चल जाती हो? भागो पर से, क्या कर रहा हो? क्या हाल आप लोग का? आपको क्या दिक्कत है? अरे महाराज तो खार झगड़ रहे हैं आप, क्या कहने का है आप लोग? अभी कुरकुरे का रैपर ऐसे पहले शांत रहिए, देख रहे हो कि दो सभ्य आदमी पीछे एक्सरसाइज, सभ्य आदमी क्या नागरिक बोलिए। अच्छा हाँ, एक्सरसाइज कर रहा है, इतनी शिद्दत से एक्सरसाइज कर रहा है और उसको भंग करने में आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं। कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जो फेंका उसको बोलिए। अरे आप फेंका है? अरे वो अंकल आंटी फेंकी है तो। अरे अंकल आंटी किसको बोला रहा? अंकल आंटी किसको बोला? चुप रहो, चुप रहो, अंकल आंटी एकदम चुप रहिए, चुप रहिए।
एकदम चुप रहिए। सबसे पहले गलती तो पार्क में हल्ला हंगामा कर रहे हैं, दूसरी गलती सबसे बड़ी गलती क्या, इतना साफ सफाई इस पार्क में रखा जाता है, हर सुबह साफ सफाई वाले आते हैं साफ करते हैं। देखिए यहाँ अब क्या दिख रहा है, कुरकुरे का रैपर, किस का रैपर भैया, 100 रुपया देते हैं पार्क में आते हैं कौन सा सफाई करेगा और क्या। अच्छा 100 रुपया दिए मतलब आप खरीद लिए पार्क, हम खरीदने की बात कह रहे हैं, हम खरीदने की बात कह रहे हैं तो फिर। अरे भाई साहब सरकार इतना ये कर रही है, NTPC इतना साफ सफाई को लेकर अभियान चला रही है, तो हम लोग भी थोड़ी मदद क्यों नहीं कर सकते, हम लोग मदद करेंगे तो हमारा शहर साफ सुथरा होगा। और देखिए दो कदम पे ना जी, चार कदम पे डस्टबिन था, यहाँ भी डस्टबिन था, उठ के वहाँ नहीं फेंका सकता। अच्छा नहीं आप फेंक देंगे, फेंक देंगे लेकिन हम तो सत्तू पिलाए थे, सत्तू का कहाँ फेंकेंगे बताइए, चिप्स तो खाया ना। ठीक है आप नहीं फेंके लेकिन आप भी दूसरे को समझा सकते हैं, ये समझा सकते हैं, आप अपने आस पास के लोगों को भी अगर ऐसा होते देखे तो समझाए, कूड़ेदान का प्रयोग करें। ठीक है हम फेंक देते, उनको उठा के रख देना चाहिए, अभी तुरंत उठा के सब ठीक करिए, तो कल से कंप्लेन कर देंगे आप लोग का पार्क में आना बंद करवा देंगे। नहीं साफ सफाई रखना है पार्क को। क्या हुआ डार्लिंग, अरे इतने सारे सुंदर फूल लगे हुए, फूल चाहिए तुमको, हां बस देख रहा है, ए बोले थे ना देखना है, क्या कर दिया पूरा, डार्लिंग फूल मांगे, फूल भाई साहब फूल ना दीजिएगा, पूरा पौधा दीजिएगा। अरे सुनिए हम इसके लिए चांद तारा तोड़ लेंगे जी, चांद तो अपने खुद है, क्या हुआ गलती क्या कर दी आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, पहली गलती तो आपको हमने बता दी, और दूसरी गलती आपने की, एक वो पौधा तो घर पे लगाते नहीं होंगे लेकिन यहाँ पौधा आप तोड़ दिए फूल के साथ साथ, तो फूल मांगे तो देंगे नहीं, फूल लग दीजिएगा जी, पौधा दीजिएगा। अच्छा ये गलती कर दी, जाइए लगा के आइए, अच्छा फिर से लगा देते, तुम्हारे चलते सब होता है, ठीक है हाँ अभी नहीं है, सबक सीख लीजिए, आप ही गलती कर रहे हैं, दूसरों को मत करने दीजिएगा, समझ गए ना, ज्यादा से ज्यादा हो तो पौधा को लगाइए, कमरिए मत, देख रहे कितना तापमान बढ़ता है, गर्मी कर रखा है, पेड़ पौधा खत्म हो रहा है, पर्यावरण का ख्याल रखिएगा ना जी, बुढ़ा बुढ़ी क्या बोलिएगा, दिमाग खत्म, बड़े लिखे आदमी आप लोग लगते हैं, लेकिन ऐसे लड़ रहे हैं जाहिल की तरह, जाहिल वाला काम, सर गलती हो गया सर, समझ गए पार्क को साफ सुथरा रखे हैं, फूल पौधा नहीं तोड़ेंगे, इतने इतने सरकार पहल की शुरुआत कर रही है, बताइए NTPC हजारीबाग इतना ख्याल रख रहा है, डस्टबिन लगवाया जा रहा है, सबकी साफ सफाई रखा जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा कोशिश हम लोग नहीं कर रहे हैं, कार्यालय के आस पास पौधा लगाया जा रहा है, आगे से गलती नहीं करना, अभी सब कचरा हटाइए डस्टबिन में, समझ गए, हाँ ये लोग तो समझ गए, आप लोग भी समझ जाइए, तो इसलिए कहते हैं अपना हजारीबाग सुंदर हजारीबाग। स्वच्छ भारत से नाता जोड़ना है, हजारीबाग को सुंदर बनाना है, स्वच्छ भारत से नाता जोड़ना है, हजारीबाग को सुंदर बनाना। हाँ तो भाइयों स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य सिर्फ आसपास की साफ सफाई रखना नहीं, बल्कि नागरिकों की सहायता सहभागिता के साथ साथ आसपास पेड़ लगाया जाए, कचरा मुक्त वातावरण, पर्यावरण बने, शौचालय उपलब्ध कराने का ये सब उद्देश्य है, ठीक है। हजारीबाग को सुंदर बनाना है, हजारीबाग को सुंदर बनाना है, हजारीबाग को सुंदर बनाना है, हजारीबाग को सुंदर बनाना है। अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और सिर्फ आसपास ही नहीं अपने आप को भी साफ रखें, क्योंकि आप साफ सुथरे रहेंगे, नियमित रूप से सफाई का ध्यान रखेंगे तो पॉजिटिव माहौल होगा, और जब आसपास पॉजिटिविटी होगी तो आपका लाइफ भी पॉजिटिव होगा। महात्मा गांधी ने कहा था स्वच्छता ही सेवा है, हमारे देश के लिए हमारे जीवन के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है, इसलिए खुद भी स्वस्थ रहे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। घर को साफ सफाई रखते हैं, आसपास को साफ सफाई रखते हैं, उसी तरह हमें अपने आप को भी साफ सफाई रखना चाहिए, नियमित रूप से बाल दाढ़ी बनाना चाहिए, नाखून की सफाई करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए, और हाँ खाने से पहले साबुन से हाथ धोइए और शौच से आने के बाद साबुन से हाथ धोइए, आप स्वस्थ रहिएगा पूरा शहर स्वस्थ रहेगा। और
अच्छे रहेंगे। पेड़ पौधा हर जगह लगाना है, पेड़ पौधा हर जगह लगाना है, कूड़ा कचरा को डस्टबिन में डालना है, कूड़ा कचरा को डस्टबिन में डालना है। प्लास्टिक हमारे जीवन में जहर घोल रहा है। मानव सुबह से लेकर शाम तक प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है, जिसे हम वरदान समझते थे आज वह पर्यावरण और पशु और हमारे लिए भी आज वह जहर बन के बैठा है। इसीलिए हम कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें और अपने पास के वातावरण को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। कूड़ा कचरा को डस्टबिन में डालना है, कूड़ा कचरा को डस्टबिन में डालना है, गंदगी को दूर भगाना है, आरिमा को सुंदर बनाना है, गंदगी को दूर भगाना है, आरिमा को सुंदर बनाना है, भारत से नाता जुड़ना है, आरिमा को सुंदर बनाना है, भारत से नाता जुड़ना है। जब तक हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वच्छता में ही भगवान का निवास होता है, इसलिए हमारे देश को स्वच्छ रहना पड़ेगा और देश को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ होना जरूरी है। मैं शंभु कुमार, लाइव न्यूज, बड़का गांव, हजारीबाग। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।